नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन चैनल पे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसी शख्सियत थे जिनका नाम सुनते ही हमें अपने सुनहरे इतिहास की याद आ जाती है, भारत की महान राजनीति की याद आ जाती है और दिमाग में एक ऐसा प्रतिभावान इंसान उभर कर आता है जिसने अपने दिमाग की ताकत से ही भारत की पूरी राजनीति को ही बदल दिया था। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो हमें यह बताता है कि यदि किसी इंसान में आत्मविश्वास हो तो बड़े से बड़े संकल्प को पूरा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को मुक्ति दिलाई और अपने संकल्प को पूरा किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन्हीं के बताए हुए कुछ अनमोल वचन, कुछ अनमोल बातों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक, चाणक्य जी कहते हैं, जैसे ही भय आपके करीब आए तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। दोस्तों, भय अर्थात डर हम सभी को लगता है और हम इससे जितना ज्यादा डरते हैं वह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अतः डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही डर आपको डराए तुरंत उस वजह या समस्या को ही नष्ट कर दीजिए जिसकी वजह से डर शुरू हुआ। ऐसा करते ही डर भाग जाएगा। दोस्तों, नंबर दो, कोई कार्य शुरू करने से पहले खुद से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आप आगे बढ़िए। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले कौटिल्य द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर जरूर प्राप्त कर लें। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा मिले जो ना हो तो कार्य बदल दें और वह कार्य चुनें जिसके लिए आपको सभी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिले। अगर ऐसा हो जाए तो कार्य शुरू कर दें। दोस्तों, नंबर तीन, फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है लेकिन एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, फूल किसको अच्छे नहीं लगते, शायद ही ऐसा कोई होगा जो फूलों की खुशबू को पसंद ना करता हो। लेकिन फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक अच्छे इंसान और उसके अच्छे काम और उसकी प्रतिभा चारों दिशाओं में सभी को पता चल जाती है। अतः एक अच्छे इंसान के दिल की खुशबू हवा की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, नंबर चार, हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दोस्तों, जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला और जो होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान में हम वह कार्य कर सकते हैं जिससे हम खुद खुश हो सके और दूसरों को भी खुश रख सकें। जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है और उसी के बारे में सोचता है सक्सेस उसे जरूर मिलती है। दोस्तों, नंबर पांच, एक सबसे अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से एक जोरदार प्रयास के साथ करे। दोस्तों, शेर जब भी कोई शिकार करता है तो पूरे मन और एकाग्रता के साथ एक जोरदार प्रयास करता है और शिकार करने में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम शेर से उसके इस कार्य से सबक ले कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग लक्ष्य बनाते हैं, प्रयास करते हैं लेकिन सफल बहुत कम होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण उस लक्ष्य के लिए पूरे मन से लगातार प्रयास ना करना है। आप कोई गोल बनाएं और पूरे मन से अपना 100% उसको पूरा करने के लिए दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, नंबर छह, चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। दोस्तों, आपने सुना और पढ़ा होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे उस प्रकार की कोई गलती ना करें। लेकिन हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पहले गलती करें और उससे सीखें। इसलिए आप दूसरे लोगों द्वारा दी गई गलतियों से भी यदि सीख ले सके तो बहुत अधिक सीख पाएंगे और एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, नंबर सात, आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों,
आपका कोई भी दुश्मन कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता व आपको दुखी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको दुखी देखकर उसे खुशी मिलती है। इसीलिए यह कहा गया है कि यदि आप हमेशा खुश रहें तो यह आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा होगी, जबकि आप उसे दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दोस्तों नंबर 8, कभी भी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या अधिक प्रसिद्ध हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकती। दोस्तों सच कहा गया है कि दोस्ती समान लोगों से ही करनी चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त आपसे ज्यादा पैसे वाला है तो उसकी सुख सुविधाएं और खर्चे भी आपसे ज्यादा होंगे और आपके उससे कम होंगे। ह्यूमन नेचर है कि ईर्ष्या आ ही जाती है, तब आप खुश नहीं रह पाएंगे। और यदि वह आपसे कम है तो वह आपसे ईर्ष्या कर सकता है, तब भी आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। यह कड़वी सच्चाई है। दोस्तों नंबर 9, प्रश्न भाग पहले ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा। उत्तर दिया चाणक्य जी ने, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। दोस्तों भाग्य यानी के लक क्या है? सीधा सा उत्तर है, सफलता ही भाग्य है। लेकिन सच यह भी है कि भाग्य खुद नहीं बनता बल्कि कर्म द्वारा बनाना पड़ता है। यदि आप सोचते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है तो वही होगा जो लिखा है, इसका मतलब कर्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। सत्य यह है कि कर्म या कोशिश करने से ही भाग्य बनता है जो फल के रूप में हमारे सामने आता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।